समटाइम्स तो ऐसा होता है कि कुछ अर्सा पहले जब ये फ्लड आया था तो वो एक जीरा साहब थे हमारे नामी में, तो उन्होंने जाके विजिट किया और अगले दिन पता चला कि वो जो हॉस्पिटल जो उसका जिक्र किया गया था वो हॉस्पिटल तो उसका कोई नाम नहीं था, कोई भी नहीं था, वो वक्ती तौर पर बनाया गया। तो हमारे सामने इस तरह के न्यूज आते रहते हैं लोगों के। अच्छा, लेकिन जिस तरह अब बात हुई जा रही थी, जिस तरह वो आपको इलेबोरेट करेंगे ना, आप मानने पर मजबूर हो जाएंगे। मैंने खुद एक जगह पे एक रिसाले में पढ़ा, अखबार जहाँ टाइप था, कोई छोटा रिसाला भी अखबार जहाँ टाइप मैगजीन होता है, उसमें कहा था कि अमेरिका के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है वो रेजर फायर करके स्पेसिफिक एरियाज में जलजला ला सकते हैं। हार्पिक टेक्नोलॉजी क्या है वो, कुछ इस तरह से देखना, अगर एक्सपोज पे लाया जा सकता है उसको रोका भी जा सकता है। देखें वो आपके पास फायर हो रहा है ना, आप उसको ब्रेक कर लेते हैं। सारे साहब वो टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है। देखें मेरी बात सुनिए, एक मरतबा जलजला आया था, मैं आपसे शेयर करता हूँ, और उसका मरकज था पकौड़ा के पास। सुल्तान भाई आप शायद उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे, ये कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले जलजले बहुत ज़्यादा आए, 5-6 दिन जलजला आया हुआ था। और एक दिन तो ऐसे भी हुआ कि मैंने काफ़ी दिनों में जलजला नहीं आया, मतलब अब इतने यूज टू हो गए थे अर्थक्वेक्स के साथ। तो एक जलजले का मरकज जो था वो पटोगी के पास था। अब मुझे बताएं कि ये इतना तो हम सबको पता है कि जलजले का जो मरकज है वो हिली एरियाज होते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या था। अच्छा, जब मैंने वेरी फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया पंजाब यूनिवर्सिटी, मैंने एक सब्जेक्ट में एडमिशन किया था GIS में, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वहाँ पे रिमोट सेंसिंग और इस तरह के हमें सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, क्योंकि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। तो उस वक्त हमारे टीचर ने बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DOD, नहीं मुझे वो चीज़ें याद है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अमेरिका का है और स्पेस के ऊपर जो है जिस बंदे ने भी जाना है उनसे लाइसेंस लेना है, जिस बंदे ने भी अपना कोई रॉकेट भेजना है या किस तरह कोई चीज़ भेजनी है, दे विल हैव टू गेट लाइसेंस फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है, अदरवाइज वो दबाव हो जाएगा करते। ऐसे ही आपका डॉक्टर अब्दुल कलीम खान साहब को याद करें ना, उनकी मफरत सुना, उन्होंने कहा था कि मुझे इजाज़त दें मैं ग्लेशियर पे कोई तजर्बा करता हूँ तो पानी की कमी पूरी हो जाएगी आपके मुल्क। सही कह रहे हैं। तो दूसरे साइंसदानों ने कहा नहीं सर, आप इसको पिघला के कुछ कर देंगे लेकिन इसको फिर कंट्रोल कैसे करेंगे, तो पूरी दुनिया पर बोलेगा तो ये सुनने में आ रहा है कि रेजर फायर हुई है आपकी ग्लेशियर्स के, लेकिन इसको डिलीवर करने के बाद या मैं अगर ये बैठा हूँ तो मुझे इस पर यकीन नहीं करता, तो ये भी फेक न्यूज़ में आ सकता है, फेक न्यूज़ में आता है ये। हाँ जी, फेक न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया, दिस इज द